The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, हमने टाइफाइड का वीडियो बनाया, वो ऑलरेडी चैनल पे है, आपने बहुत अच्छा बहुत प्यारा रिस्पांस, थैंक यू सो मच। आज हम आपको बताएंगे अपने टेस्ट्स की सीरीज में, जिसमें सीबीसी हमने ऑलरेडी हर एक टेस्ट कवर कर रहे हैं, तो अब टाइफाइड का टेस्ट हम उसमें कवर कर रहे हैं। टाइफाइड डायग्नोस करने के लिए विडाल का टेस्ट नहीं किया जाता, वो पुराने जमाने का टेस्ट है जो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया में अब तक चल रहा है, क्योंकि वो सस्ता है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें है कि वो जरूर टाइफाइड में पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन और बहुत सी चीज़ों में पॉजिटिव आ सकता है, तो ये टेस्ट काफ़ी नहीं है, सही नहीं है, इस पर रिलायबल नहीं है, तो इस टेस्ट को करने की आवश्यकता नहीं है, विडाल अब नहीं किया जाता। तो विडाल टेस्ट नहीं करेंगे तो टाइफाइड को डायग्नोस कैसे करेंगे? तो सबसे मेन टेस्ट टाइफाइड का डायग्नोस करने का है कल्चर्स, ब्लड के कल्चर्स। जी हाँ, ब्लड, जैसे ही आपको बुखार दिक्कतें शुरू होती है, पहले हफ्ते के अंदर ब्लड कल्चर आपको बेस्ट डायग्नोसिस देते हैं। ब्लड कल्चर में सिर्फ नुकसान यह है कि उसको कल्चर की रिपोर्ट आने के लिए कुछ दिन लगते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो उस कुछ दिनों के लिए इसीलिए डॉक्टर को डायग्नोसिस पहले आपके क्लिनिकल सिम्टम्स और आपकी प्रेजेंटेशन आपके रिस्क फैक्टर के बेसिस पे करना होता है और मेडिकेशन शुरू करनी होती है और ब्लड कल्चर से फिर कन्फर्मेशन हो जाता है। लेकिन टाइफाइड फीवर लंबा चलता है, इसलिए ब्लड कल्चर ज़रूरी है। ब्लड कल्चर एक ही अखबार अगर ब्लड लेके आप करेंगे तो उसमें टाइफाइड पकड़े जाने के चांसेस होते हैं 50%, इसीलिए मल्टीपल ब्लड कल्चर ज़रूरी है। मल्टीपल यानी कम से कम 3 ब्लड कल्चर्स 3 अलग अलग दिनों में आप लेते हैं, 3 बार सैंपल 3 बार ब्लड कल्चर होता है। इसके बाद में ब्लड कल्चर में एक प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए आपने कोई एंटीबायोटिक खुद से खा ली कल्चर ब्लड निकालने से पहले, तो ये हो सकता है कि वो एंटीबायोटिक ने साल्मोनेलास के जो टाइफाइड के बैक्टीरिया है उसको काफ़ी हद तक ब्लड से मार दिया, लेकिन टिश्यू में कहीं पे है, इसलिए आपकी बीमारी तो वापस आ जाती है लेकिन ब्लड कल्चर नेगेटिव आ जाता है। तो इसलिए ब्लड कल्चर आइडियली दवाई खाने से पहले, एंटीबायोटिक खाने से पहले लिया जाता है, लिया जाना चाहिए, और ब्लड कल्चर ही इसका मेन टेस्ट होता है। दूसरा, पहले हफ्ते के बाद आप स्टूल्स यानी लैटरिन में भी कल्चर्स कर सकते हैं, लैटरिन के कल्चर्स और दूसरा ब्लड कल्चर। लेकिन लैटरिन का कल्चर, स्टूल का कल्चर उतना ज़्यादा स्पेसिफिक, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता जितना अच्छा ब्लड कल्चर है। और एक चीज़ है, इससे बड़ा जो टेस्ट होता है बोन मैरो कल्चर। बोन मैरो का कल्चर जो है, अगर आपने एंटीबायोटिक ले भी ली और टाइफाइड लग रहा है, तो उसको कन्फर्म करने के लिए बोन मैरो निकाल के बोन मैरो का कल्चर किया जा सकता है। वो एंटीबायोटिक लेने के बावजूद टाइफाइड आपके बोन मैरो में कल्चर होके मिलेगा बैक्टीरिया। सो बोन मैरो कल्चर आपकी डायग्नोस होने की, एक बार बोन मैरो कल्चर करते हैं तो 80% टाइफाइड डायग्नोस हो जाता है, 80% ऑफ द टाइम्स। सो बोन मैरो की स्पेसिफिसिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है सेंसिटिविटी। और बोन मैरो कल्चर, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, ये मेन टेस्ट होते हैं कल्चर। यूरिन कल्चर का उसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है, स्टूल से या बोन मैरो से या ब्लड से ज़्यादा। और दूसरे, सेरोलॉजिकल टेस्ट अभी आ गए हैं लेटेस्ट, जो है IgG एंड IgM एंटीबॉडीज, टाइफाइड डॉट। ये सेरोलॉजिकल टेस्ट भी आपको इनिशियल डायग्नोसिस में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक हफ्ते के बाद ही पॉजिटिव आएंगे। सो इनिशियल डायग्नोसिस में आपको कल्चर्स मदद करेंगे, क्लिनिकल सिनारियो मदद करेंगे, इसीलिए डॉक्टर को विडाल टेस्ट लिखना चाहिए बुखार होने के एक हफ्ते बाद या कुछ दिनों के बाद। और विडाल टेस्ट टाइफाइड टेस्ट IgG IgM, ये दोनों, IgG का मतलब है कि पुराना इन्फेक्शन है, IgM का मतलब अभी इन्फेक्शन चल रहा है, क्योंकि टाइफाइड स्टेप लैडर होता है, कई बार कई महीनों तक चलता है, कई लोग कैरियर बन जाते हैं, तो ये टेस्टों की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरी टेस्ट हैं, करने चाहिए, कल्चर्स भी, सीरोलॉजिकल टेस्ट भी। और क्लिनिकल इवैल्यूएशन सबसे बड़ा है कि डॉक्टर आपकी हिस्ट्री, आपके सिम्टम्स, आपके टेस्ट, आपके एग्जामिनेशन और आपके पेट को एग्जामिन करके, कोई रो स्पॉट्स तो नहीं है, कोई सिम्टम्स कैसे हैं और आपके सिचुएशन कैसी है, आप कहाँ रहते हो, वहाँ पे अनहाइजीनिक फूड खाने की टेंडेंसी को लेके पूरे पिक्चर को समझते हैं कि आपके रिस्क कितने हैं टाइफाइड हो जाने के, उससे समझ में आता है जी हाँ ये टाइफाइड ही हो सकता है, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी का इन्फेक्शन। और फिर आपको उसके लिए जो लेटेस्ट दवाई उस समय चल रही होती है वो दी जाती है एंटीबायोटिक्स पर ब्लड कल्चर लेने के बाद। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट आपको अभी पता चला है कि जी हाँ टाइफाइड में
खून के टेस्ट पहले देने हैं, दवाई बाद में खानी है. रिमेंबर टू डू दिस. थैंक यू सो मच. टाइफाइड अभी बारिश का सीजन आने वाला है तो इस चीज का ध्यान रखिए. जरूर ये वीडियो को आग की तरह फैलाइए और देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन. लाइक करना मत भूलिएगा. जब आप लाइक करेंगे तभी यूट्यूब ये वीडियो या कोई भी वीडियो को दूसरों को रेकमेंड करेगा. तो लाइक करे बगैर नहीं जाना है. आई एम डॉक्टर परमजीत. यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.